अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अर्लर्स फार्मूला फॉर पिन एंडेड बीम्स। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक बीम है, यहाँ पे दोनों क्या क्या है पिन एंड किया हुआ है उसने। कुछ अगर ये डायग्राम में बनाओ तो कुछ ऐसे करके है कि इस साइड पे भी पिन एंड है और ये ऊपर वाली साइड पे भी क्या है पिन एंड किया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से ऊपर से एक पी अप्लाई किया है फोर्स, और नीचे से क्या किया है पी डैश अप्लाई किया है। जब दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया है तो ये कुछ इस तरफ को बेंड हो गया ऐसे करके। तो ये सिंपल सी डायग्राम, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे करके कुछ ये बेंड हो गया, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि देखें ये जो इस तरफ को डिफ्लेक्शन हो रही है ना, ये नीचे वाले जो डिस्टेंस है, ये इस तरफ को डिस्टेंस जो हम लेंगे वो उसको हम क्या करेंगे एक्स से शो करेंगे। या देखें यहाँ पे उसने शो किया हुआ एक्स यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है इस तरफ से इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या शो करेंगे वाई से शो करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसने एक पॉइंट सपोज किया था यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है, सेक्शन क्यू कट किया और वहाँ पे हम वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है, और ये बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस ही लेंगे, ये बेंड होता हुआ नहीं, वर्टिकल लेते हैं, मतलब हम इग्नोर कर देते हैं ये बेंडिंग वगैरह को। अच्छा फिर नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो उसने आपके सामने क्या शो किया हुआ एल, टोटल डिस्टेंस क्या है वो एल है, मतलब यहाँ से लेके टोटल यहाँ से लेके एंड तक इस पिन तक जो है वो हमारे पास एल आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, इस जगह पे, और वाई भी बेंडिंग भी नहीं हो रही, वाई भी ज़ीरो है। तो ये दोनों कंडीशंस इस कॉर्नर पे हैं हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर, एंड देन इस पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशन है। अब एक्स हमारे पास यहाँ से चेंज हो गया, कम्प्लीट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एल हो गया, एक्स इज इक्वल टू एल हो गया। एंड देन वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, एंडिंग इस एंड पे बी पॉइंट पे क्या है ज़ीरो है हमारे पास। तो एक्स इज इक्वल टू एल एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको समझ आ गई है। अब वो क्या कर रहा है कि इस क्यू सेक्शन के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड करने लगा है, तो उसने क्यू सेक्शन यहाँ पे कट कर लिया है, एंड देन यहाँ पे शो किया कि ये पी डैश जो है वो लेस पोज यहाँ पे लग रही है, एंड देन ये पी फिर क्या है मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, ये पी इस ये डायरेक्शन में करेगी। देखें यहाँ पे ऐसे करके है मूवमेंट लेने का तरीका आपको आता है, पी डैश यहाँ पे है, पी डैश ये फोर्स जिस एक्सिस में होती है इसको आप मूव कर सकते हैं, इजी मेथड होता है। आप यहाँ तक ले आए पी, इस एक्सिस में लग रही है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या डिस्टेंस होता है वाई डिस्टेंस होता है। तो पी इंटू वाई हमारे पास क्या बन जाता है मूवमेंट बन जाता है। और साइन की कन्वेक्शन, साइन मेरे से एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि सर ये साइन कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास सपोज आपके पास ये हमारे पास बीम था, अगर हम नीचे वाली साइन को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर वाली फोर्स क्या हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब जितनी भी इस क्वेश्चन में नीचे को फोर्सेज होंगी हम उनको पॉजिटिव लेते रहेंगे, और जितनी भी ऊपर होंगी उनको क्या कह देंगे नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी हो, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि जो नीचे वाली फोर्स थी उसको मैंने नेगेटिव लेना है और ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, तो फिर अब उस क्वेश्चन में मैं जितनी भी नीचे वाली फोर्सेज हैं उनको नेगेटिव कहूँगा और जितनी भी ऊपर वाली फोर्सेज हैं उनको पॉजिटिव कहूँगा, तो ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर वाली पॉजिटिव है नीचे वाली नेगेटिव है या नीचे वाली है, तो एक ही बात है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे होता है कि आपके पास एक्स एक्सिस ऐसे होता है, एक्स ऐसे होता है, वाई ऐसे होता है, तो वाई ऊपर को क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वाई का क्या है, अगर आप नीचे को जाएंगे तो देखें वाई ने क्या होगा नेगेटिव होगा। तो मोस्टली क्या करते हैं बुक को फॉलो करते हैं कि जो नीचे वाली फोर्सेज है उसको नेगेटिव कह देते हैं और जो ऊपर को फोर्स जा रही होती है उसको क्या कह देते हैं पॉजिटिव। इसी तरह इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस साइड को एक्स पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव कह देते हैं, और यहाँ पे एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जो इस तरफ को फोर्सेस लग रही होंगी उसको क्या कह देंगे नेगेटिव कह देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मोस्टली जो बुक्स हैं ना वो इसको फॉलो कर रही होती हैं। हो सकता है आप किसी का कोई आप नेट पर क्वेश्चन फाइंड करते हैं और वो उसने जो ऊपर वाली फोर्स जा रही है उसको नेगेटिव कहा हुआ है, तो वो चेंज कर सकता है, उसमें कोई नहीं है, पर फिर सारी की सारी वैल्यूज चेंज करेंगे एट दी एंड आपके पास आंसर जो है वो ठीक आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये मूवमेंट है, मूवमेंट का भी होता है कि आप क्या है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो आप अगर इसको पॉजिटिव कह देते हैं तो फिर इसको आप नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो बुक में उसने एक फॉलो किया हुआ है मेथड, जो बुक में उसने फॉलो किया हुआ है आप उसको फॉलो करते रहें। तो ये एक क्वेश्चन था जो एक स्टूडेंट का था,
मैंने इसको आंसर कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो पी फोर्स है ये पी और ये डिस्टेंस वाई है, देखें यहाँ पे फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया पी। मैंने बताया इस फोर्स को आप ना ऐसे आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ तक, यहाँ पे पी मैंने ये ड्रॉ कर दिया एंड देन यहाँ से यहाँ तक इसका क्या डिस्टेंस है वाई है, तो ये वाई यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो पी इंटू वाई आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू वाई हो जाएगा। और अगर अब किसी को मोमेंट ही लेना था तो मैं बता दूं कि अगर मोमेंट की डायरेक्शन क्या है ये पता करनी हो तो ये देखें ये फोर्स यहाँ पे आ गई ये चीज़, और मैं ये सारी चीज़ें नीचे से मिटा देता हूँ, ठीक है। ये पिन पॉइंट है, इस जगह पे पिन हुआ हुआ है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन देखने का सिंपल मेथड है जो सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते होंगे, अगर कोई नहीं करता तो उसके लिए कि ये फोर्स क्या करेगी। अब देखें अगर ये यहाँ से फिक्स है और ये है, तो ऐसी है कि ये थ्रेड है और यहाँ पे आपने एक स्टोन बांधा हुआ है, आप इसको फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसे करके, ऐसी है, तो ये मूवमेंट की आपके पास डायरेक्शन हो गई और ये क्या काउंटर क्लॉक वाइज बन गई है, ठीक है। इसी तरह अगर ये फोर्स ऊपर से नीचे को लग रही होती तो आपको पता है कि वो इस तरफ को रोटेट करना था, तो वो आपके पास ऐसे डायरेक्शन बन जानी थी इस डायरेक्शन, तो ये मूवमेंट की डायरेक्शन लेने का तरीका होता है, ठीक हो गया। अच्छा तो ये मैं बेसिकली आपको पी और मूवमेंट की बात कर रहा था, मूवमेंट इज इक्वल टू पी इंटू आपके पास ये वाई डिस्टेंस है, तो ये वाई बन जाता है मूवमेंट, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या सलूशन किया, ये तो एक पुरानी बातें थी जो मैंने दोबारा से, क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने सोचा आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये मूवमेंट आ गया एम इज इक्वल टू पी नेगेटिव वाई, और यहाँ पर हो सकता है इसे नेगेटिव लिया हो, क्यों कि मोस्टली इस केसेस में काउंटर क्लॉक वाइज को नेगेटिव शो किया और क्लॉक वाइज को पॉजिटिव शो किया, हो सकता है मैं दोबारा बता रहा हूँ किसी सोल्यूशन में इसको पॉजिटिव लिखा हो तो आप पॉजिटिव ले लें फिर काउंटर क्लॉक वाइज को नेगेटिव। अच्छा कंसीडर एन एक्सियली लोडेड बीम, उसने कह दिया आप उसके पास स्मॉल फोर्स लगी है, द सिस्टम रीचेज एन इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन सच दैट, ये इक्वेशन तो आपको पहले ही पता है, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ओवर ई आई, ये चैप्टर 9 से आ गई, एम इंटू एक्स होता था आपको इक्वेशन की याद होगी, ठीक है। अब मोमेंट, मोमेंट आपको मैंने बता दिया पी इंटू वाई यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये पी फोर्स है वाई कर रही है, और ये देखिए यहाँ पर से नेगेटिव शो कर दिया है, क्या कि काउंटर क्लॉक वाइज उसने कह दिया कि मोमेंट नेगेटिव है, ठीक है। अगर अगर इसमें कोई क्लॉक वाइज लग रहा होगा तो वो उसको पॉजिटिव लेगा, तो अब आपने ये बात याद रखनी, तो ये इसने यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू पुट कर दी नेगेटिव पी वाई ओवर ई इंटू आई इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर, ये बन गया, इसको मैं रेज कर देता हूँ बीच में से, इक्वल टू ये दोनों बराबर हो गए। फिर उसने क्या किया डी स्क्वेयर वाई इस इक्वेशन को इस तरफ ले गया, ये इसको इस तरफ ले गया, ये इक्वल साइन खत्म हो गया, ये साइन प्लस हो गया, इक्वल साइन इधर आ गया और जीरो आ गया, ठीक है। इसको उधर ले जाएगा तो इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक तो उसने ये इक्वेशन जनरेट कर दिया, ठीक है। दूसरी उसने एक ये इक्वेशन जनरेट किया पी क्रिटिकल की, इसके एक पूरी डेरिवेशन है बुक के अंदर दी हुई है, पर हमारे कोर्स में नहीं है तो हम डायरेक्ट फार्मूला पे जाते हैं, जिस तरह हमने लास्ट केस में प्री क्रिटिकल फाइंड किया था, इस केस में प्री क्रिटिकल का क्या फार्मूला है, ई आई ओवर एल स्क्वायर, और पी क्रिटिकल हमें पता था कि अगर पी क्रिटिकल से फोर्स जो हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो पी जो हमारी फोर्स है हमेशा लेस होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर शो किया कि ग्रेटर है, पर पी हमेशा क्या लेस होनी चाहिए, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, पी हमेशा लेस होनी चाहिए पी क्रिटिकल से, तो आपका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक हो गया। तो आपके पास ये इसका फार्मूला ये आ गया, ये हमारे पास। और इसी तरह अगर हमने स्ट्रेस क्रिटिकल फाइंड करनी हो, स्ट्रेस क्रिटिकल इज इक्वल टू पी क्रिटिकल ओवर एरिया, और पी क्रिटिकल का तो हमें ये फार्मूला पता है आई स्केयर ई आई ओवर एल स्केयर है, और आई हमें पता है आई बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए इंटू आर स्केयर होता है, एरिया इंटू आर स्केयर, ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर अब आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का भी आइडिया नहीं है तो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करता जाता हूँ कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जी वाई आर ए टी आई जायरेशन, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी है ऐसे, यहाँ पे एक बॉडी है ये, और यहाँ पे इसका बॉडी का मास लाई कर रहा है, तो बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, उस एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसके जहाँ तक उसका क्या है, सारा का सारा मास उस बॉडी का लाई कर रहा होता है, ये बेसिकली क्या है, सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कह सकते हैं आप, ये वो पॉइंट है। तो इस एक्सिस से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको बेसिकली आप रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, जी शो कर देता हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है आई बेसिकली फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, तो इसमें आर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन भी आपको मैंने बता दिया
कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसके सेंटर पॉइंट तक का, ठीक है। ये ए आर स्क्वेयर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो रखे, ये इक्वेशन बच जाती है पाई स्क्वेयर ई ओवर एल बाय आर स्क्वेयर, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये, हमारे पास किस चीज़ की इक्वेशन आ गई, स्ट्रेस क्रिटिकल की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये फार्मूला वही है जो भी हमने पीछे ड्राइव किया है, ये वाला। अच्छा, इसके अंदर जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो ये फार्मूला ये बन गया पाई स्क्वेयर ई ओवर एल ओवर आर स्क्वेयर। तो बेसिकली एल ओवर आर हमारे पास क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो एल बाय आर। तो इसमें एल हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम, लेंथ ऑफ द बीम, एंड आर बेसिकली क्या था, रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन। तो ये था हमारे पास, ठीक है। अब आप इस फार्मूले को देखें, ये स्ट्रेस क्रिटिकल के बराबर है, स्ट्रेस क्रिटिकल के बराबर है। अगर आपने स्ट्रेस जो है ज़्यादा रखना हो स्ट्रेस क्रिटिकल मटेरियल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले के मुताबिक ये वाली चीज़ जो है इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एल ओवर आर स्क्वेयर को क्या करना करेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर एल ओवर आर स्क्वेयर को, एल ओवर आर को हमने कम करना है तो बेसिकली क्या करना है, हमने लेंथ जो है उसको कम करना है और रेडियस को हमने क्या करना है, ज़्यादा करना है, तभी ये वैल्यू हमारे पास कम होगी, ठीक है। अभी हमने क्यों करना है, बेसिकली ये यहाँ पे ना स्टील का स्ट्रक्चर, स्टील का ग्राफ बनाया, उसके ऊपर एक्सप्लेन किया है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है कि अगर ये आपकी कम होगी, तो मैंने आपको बताया स्ट्रेस जो है इस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया कि जैसे जैसे आपके पास ये एल बाय आर इस तरफ है और ये स्ट्रेस इस तरफ है, ठीक है, जैसे जैसे आपको एल बाय आर की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारे पास उसकी जो आ रही है क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ये जिसने ग्राफ बनाया उसने वैल्यूज़ पुट कर करके यहाँ पे ग्राफ बनाया। ये जो डॉटेड लाइन और ये सॉलिड लाइन है ये क्रिटिकल का आंसर आ रहा है, और ये वाला पॉइंट जो है ये बेसिकली यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट अब आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई थी ऐसे करके, ऐसे ये वाला पॉइंट यील्ड पॉइंट होता है, इलास्टिक लिमिट तक जो होता है ये यील्ड होता है। यील्ड के बाद इसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाती है। इसका क्या मतलब है कि स्टील में ना 250 मेगा पास्कल के बाद डिफॉर्मेशन आने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखें, अब आपने स्लेंडरनेस रेशियो अगर स्टील का एक स्ट्रक्चर, स्टील का कोई चीज़ बना रहे हैं उसकी इतनी कम कर दी है कि यहाँ पे 89 के ऊपर आके आपके जो स्ट्रेस क्रिटिकल है वो यील्ड पॉइंट के बराबर हो गई है। अब अगर आप इससे भी कम कर देंगे, लेट्स सपोज लेंथ उसकी इससे भी कम कर देंगे, तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आएगा ऐसे करके, यील्ड पॉइंट आ जाएगा, और आपकी क्रिटिकल तो भी आनी थी, तो वो यील्ड पॉइंट के ऊपर आपका बेसिकली क्या ब्रेक कर जाएगा मटेरियल, ठीक है। तो एक तो इससे ये बात पता चली कि आपने स्लेंडरनेस रेशियो इतनी रखनी है कि आपका यील्ड पॉइंट के पास हो, ऑलमोस्ट उसके करीब हो, क्योंकि अगर उससे भी ज़्यादा कम कर दी उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो यील्ड पॉइंट उसका अचीव हो जाएगा मटीरियल का, और वो मटीरियल की वजह से ब्रेक कर जाएगा। एक मटीरियल है ना, एक बीम है आपके पास, लेट्स सपोज ये आपके पास एक बीम है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अब इसका टूटने के काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर, मतलब आपने जो थिकनेस थी ये बहुत कम रख दी कि ये ब्रेक कर गया। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें वो, इंस्टाग्राम की वीडियो थी जिसमें वो आपको दिखा रहा था कि बीम जो है वो बेंड कर जाता है ये, वो तो ये आपने थिकनेस बहुत कम रख दी तो ये ब्रेक कर गया। तो बेसिकली ये तो आपने डिज़ाइन किया ना, अगर आपने इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा रख दी कि ये ब्रेक किया, क्यों, ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी कि वो फोर्स ही इतनी बियर कर सकता था, उसका यील्ड पॉइंट आ गया बेसिकली, तो वो आपके पास मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल डिज़ाइन हो जाता है। फिर आपने मटेरियल्स का सब्जेक्ट पढ़ा या आप उसके अंदर चले जाएंगे कि आप मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना था आपने, ठीक है। तो हमारा केस सिर्फ ये है कि यील्ड पॉइंट से पहले पहले तक, तो आपने स्लेंडरनेस रेशियो इतनी रखनी है कि आपके यील्ड पॉइंट से अंडर है। और दूसरी बात इससे ये पता चल गई कि स्लेंडरनेस रेशियो है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक काम करती है, उसके बाद नहीं काम करती, क्योंकि यील्ड पॉइंट जो है वो इलास्टिक लिमिट तक आता है, उसके बाद नहीं आता, ठीक है। तो ये था एल बाय आर स्लेंडरनेस रेशियो बेसिकली। प्रोसीडिंग एनालिसिस लिमिटेड टू सेंट्रिक लोडिंग, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे जो स्लेंडरनेस रेशियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मोस्टली जो अगर आपके इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर भी ये पूछ लेते होते हैं कि कॉलम के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है आपके पास, ठीक है। होप ये टर्म आपको जो है वो क्लियर होगी होगी। चलें अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ ऑर्लर्स फार्मूला, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेते हैं।